नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे ऐप जो है ईपीएफ अलर्ट ऐप, इसको भी प्ले स्टोर पर विजिट करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का एक पॉपअप आएगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप को ईजिली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड अपडेट्स सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर रखी हैं। तो ये स्टेट वाइज जॉब का सेक्शन है, यहाँ पे सारी स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे सभी स्टेट्स के बने, यहाँ पे आपको उन स्टेट से रिलेटेड सारी जानकारी और अपडेट्स मिल जाएंगी। तो आज हम राजस्थान स्टेट से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लास्ट डेट सून, लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट एडमिट कार्ड, इस तरह से सारी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो लेटेस्ट रिजल्ट के सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह से विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट का जो रिजल्ट निकाला गया है आरएसएसपी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जब आप इस इवेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आरएसएसपी जयपुर के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्केड्यूल है वो रिलीज हो चुका है, तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट गिवन है, जिसको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस है वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो नोटिस है वो कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 5,396 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई थी, जिसमें से 4,557 वैकेंसी जो थी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी और 839 जो थी वो थी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसका जो प्रीलियम्स का रिजल्ट आया था ये 12 अप्रैल 2022 को आया था। उसके बाद जो मेन्स का एग्ज़ाम हुआ था ये 9 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था और उसका रिजल्ट 29 जुलाई 2022 को आया था। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और ऑनलाइन अपने सारे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। तो कैंडिडेट को अपनी SSO ID पर जाकर, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर, माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर, डिटेल फॉर्म कंस्क्रूनिटी के सेक्शन पर जाके, आपको वीडियो के लिंक के सामने अप्लाई नाउ पर जाकर अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स कैरी भी करने होंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर वाइज उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जिनको अपीयर होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे टाइमिंग और डेट भी गिवन है इस तरह से रोल नंबर, और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है वो और उसका क्या टाइम है वो भी यहाँ गिवन है। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था तो आप इस लिस्ट को चेक करें, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से दिन है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है और कितने बजे है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी इस तरह से मिल जाएगी। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप इस लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। रोल नंबर वाइज ये लिस्ट उनके द्वारा जारी की गई है। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। अगर आप इस इवेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ, और इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके डिस्कस बटन पे क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो राइटर रिप्लाई सेक्शन पे आके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।